धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं जय मा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है मैरिज की एनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग आज प्रथम नवरात्र भगवती का शुभ आशीष पूरे विश्व को मिलने वाला है उनतीस सेप्टेम्बर दो दिन रविवार संडे शुक्ल पक्ष आश्विन मास संवत दो तिथि प्रतिपदा नक्षत्र हस्त काल साढ़े चार से छः दिशा सूल पश्चिम दिशा बात करते हैं सबसे पहले आज नवरात्र में मुहूर्त की कि किस वक्त हम घट स्थापित करें साढ़े सात से नौ के बीच चर की घड़ी है अगर अवॉइड किया जाए तो बहुत अच्छी बात है नौ बजे से लेकर के साढ़े दस के बीच में बहुत शुभ बेला है लाभ की बेला है लाभ की घड़ियां हैं नौ से साढ़े दस के बीच में कुंभ स्थापित करना शुभ रहेगा या साढ़े दस से बारह के बीच कुल मिलाकर के नौ बजे से लेकर के बारह बजे के बीच तक कुंभ स्थापित करना आज के दिन बहुत ही उत्तम है कैसे कैसे नवरात्र किए जाते हैं क्या क्या किए जाते हैं सारी चर्चाएं हम अपने नवरात्र विशेषांक में बता चुके हैं अगर कोई नया दर्शक हमारे से जुड़ा हो और वो ये चीज़ें जानना चाहता हो तो इसी महीने का आज की डेट के हिसाब से हेडिंग डालें नवरात्र विशेषांक वो हमारा पूरा सुन ले सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी दर्शकों जो सामान आज कम पड़ गया हो कोई चीज़ ना मिली हो कोई बात नहीं है भगवती को जैसे मर्जी पूजा करें आपकी श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए वो हर तरह से आपकी पूजा को ग्रहण कर लेती हैं बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि शर्मा जी थोड़ा सा रिपीट कर देना कि आज के दिन हम कौन सा अध्याय पढ़ें दुर्गा सप्तशती में तेरह अध्याय होते हैं ये दुर्गा सप्शती का अनुपम ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर श्री दुर्गा सप्तशती सात सौ श्लोकों का अद्भुत संयोजन बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है ये गीता प्रेस का इसी से आप पाठ किया करें बहुत और भी आते हैं लेकिन गीता प्रेस का एकदम प्रमाणित है इसी से करें तो ज़्यादा लाभ की हमें पूर्ण विश्वास है कई तो ऐसे आते हैं जिन्होंने राइटर ने ही अपना नाम उसमें डाला हुआ है सारे दोहों में अपना नाम राइटर ने डाला हुआ है तो वो शुद्ध नहीं है हर तरह से ग्रामर की दृष्टि से भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है इसलिए आप गीता प्रेस का ही दुर्गा सप्स्वती का ये ग्रंथ लें हिंदी में भी आता है संस्कृत में भी आता है संस्कृत से हिंदी वाला भी आता है और कितने का आता है चालीस पचास रुपया का तो नालाएँ हो आज दिन में ले आना और शाम को पाठ कर लेना दुर्गा सप्शती में तेरह अध्याय हैं सारी बातें रिपीट हो रही हैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्टली ही बताऊँगा तेरह अध्याय हैं और तेरह अध्याय में सबसे आसान विधि वही है कि पहले दिन पहला अध्याय पढ़ें आज के दिन आज पहला अध्याय पढ़ा जाएगा और आज भगवती शैलपुत्री का हम पूजन करेंगे पहले दिन पहला अध्याय दूसरे दिन दूसरा अध्याय तीसरे दिन तीसरा अध्याय चौथे दिन चौथा अध्याय बहुत लोग ऐसे भी पढ़ते हैं लेकिन सही विधि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ या तो तेरह अध्याय पूरे पढ़े जाए या प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र इस हिसाब से पढ़ा जाए या पहले दिन पहला अध्याय दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय तीसरे दिन चौथा अध्याय चौथे दिन पाँचवा छठा सातवा आठवा अध्याय पाँचवें दिन नौवा दसवा अध्याय छठे दिन ग्यारहवा बारहवा अध्याय और सातवें दिन तेरहवा अध्याय कैसे अष्टमी पूजन करेंगे कन्या पूजन करेंगे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम फेसबुक के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से और आपको यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज़ें हम आपको बताते चले जाएंगे इसी में हमने पाठ विधि आपको बताई थी कि पाठ विधि के, के हिसाब से आप पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज भगवती शैलपुत्री का पूजन ज़रूर करें कल ब्रह्मचारिणी प्रथम शैलपुत्री जदित्यम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कुष्माण्डेती चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते खष्टम कात्यायनी थी सप्तम कालरात्रि महागौरी थी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा अब कहने का मेरा मतलब यही है कि प्रतिदिन जिस देवी का स्वरूप है उस देवी का नाम करके उनका ध्यान करके दुर्गा सप्शती का अध्याय पढ़ा करें जैसे आज प्रथम शैलपुत्री का ध्यान करके दुर्गा सप्तती पढ़ें अनुपम लाभ मिलेगा आपसे ज़्यादा कुछ ना हो तो केवल नवारण मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें कुंजी का पढ़ लें सप्त तो स्लोकी भी हमने बताया था कि सात बार पांच बार या ग्यारह बार प्रतिदिन पढ़ सकते हैं भगवान भैरव जी के नाम पढ़े जाते हैं आज यदि आपने आज से अखंड ज्योत प्रारंभ करना है तो अखंड ज्योत जब तक आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं तब तक अखंड ज्योत का प्रबंध रखें अखंड ज्योत कैसे लगाई जाती है अखंड ज्योत का क्या महत्व है सारी चीज़ें आप हमारे खास कार्यक्रम सुन लें आ, अखंड ज्योति का महत्व बाय प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा ये आप डाल के देखें अखंड ज्योति का महत्व प्रोफेसर पी प्रोफ, धर्मेंद्र शर्मा पूरा वीडियो सुनने लायक है आप उसे सुनें अखंड जोत कैसे लगाएं उसका सारे तौर तरीका आपको उसमें पता लग जाएगा जो हमारे नए दर्शक हैं हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बहुत सारी काम की बातें हम आपको बताते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा आज बहुत प्यारा दिन है भगवती की विशेष साधना का आज दिन है और विशेष साधना की आज रात्रि है निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामी विन्ध्यवासिनी आइए ध्यान साधना से जुड़ें और उसके बाद कुछ बातें और बताऊंगा तो आइए दर्शकों को ध्यान करें आज माँ शैलपुत्री के रूप में माँ भगवती का ओम सिंधूरुण अरुण त्रिनय नाम माणिक्यमोलेस्फुरास्तारानायकशेखरस्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रती सौम्यां रत्नगढस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदे चापपरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतिं करिस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूसावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाङ्कालिकां यामास्तु स्वपितैः हरो कमलजो हन्तुं मदुं कटवं विद्योदामसमप्रभामृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या खेट विलसा सेविता से हस्ते शक्र गुणम गुण तर्जनीत्मिका शशिधरा दुर्गा तिनेत्र बजे कवच बना लें ध्यान करें भगवती का अनुग्रह आपके ऊपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलने हमारे नए दर्शक सुने प्रतिदिन हमारा ये कार्यक्रम सुबह सात बजे आता है हमारे दो चैनल हैं श्री इंद्राक्षी धाम और प्रोफ़ेसर धर्मेंद्र शर्मा प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा पर तमाम तमाम की चीज़ें इस चैनल पर हम ज्योतिष से संबंधित धर्म से संबंधित देते रहते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा इन नौ दिनों में और आगे आने वाले दीपावली तक और बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे सभी फॉलो हो चुके हैं इसीलिए आप फेसबुक पेज को अब लाइक कर लें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कैसे और अद्भुत चीज़ों को हमें इस महीने करना है क्योंकि ये महीना बड़ा कीमती है उधर से अक्टूबर में आपके देखेंगे ना अब ये नवरात्र प्रारंभ होकर के सेप्टेम्बर के एंड में प्रारंभ हुए हैं अक्टूबर तक जाएंगे दशहरे में विशेष मंत्रों की साधना आपसे कराऊंगा, फिर दीपावली में विशेष मंत्रों को जागृत करने की विद्या आपको दूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूंगा। और दीक्षा वाले लोग बहुत बेसब्र हो रहे हैं कि शर्मा जी हमने दीक्षा का पत्र आपको भेजा था हम नए लोग भी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो ज़रा ये तीस त्यौहार का समय है निकल जाने दीजिएगा बस सब कुछ हमारा फाइनलाइज़ हो चुका है डेट फाइनल होनी है आगामी सेमिनार की ताकि आप लोग आकर के दीक्षा ले सकें या जो लोग आ नहीं सकते हैं वो क्या करेंगे सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा तो दर्शकों बस आज के लिए तो इतना ही समझें क्योंकि नवरात्र हैं हम भी बहुत अच्छे से आज बिजी रहने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय माँ इंद्राक्षी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से नोट शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक मैं अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी तो वो क्या था मेरी कोई बात नहीं मानता था सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था इससे हार जाता हूँ क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर कभी उठता नहीं क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो तुम ये करो वो करो वो कुछ नहीं करता था आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके ग्यारह सेट बनाता है कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है उन पर राम राम लिखता है और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं दो महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती धन्यवाद हमारे विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें